मेरी कोशिश यही है कि आज की यंग जनरेशन के लिए देश में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, एक ऐसा माहौल जिसमें आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो, एक ऐसा माहौल जिसमें भारत का युवा बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सिंधिया स्कूल अपने 150 साल पूरे करेगा, एक अहम माइलस्टोन पर होगा, ये माइलस्टोन होगा भारत की आजादी के 100 साल। आज हमने संकल्प लिया है कि इन अगले 25 सालों में देश को विकसित बनाकर दिखाएंगे और ये आपको करना है, भारत की यंग जनरेशन को करना है। मेरा विश्वास है, आप युवाओं पर मेरा विश्वास है, आप युवाओं के सामर्थ्य पर मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप इस सपनों को संजो करके काम करेंगे, सपने संकल्प में बदलेंगे और संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने तक रुकेंगे नहीं। अगले 25 साल आपकी लाइफ के लिए जितने जरूरी है उतने ही भारत के लिए भी जरूरी है। सिंधिया स्कूल के हर स्टूडेंट का यह संकल्प होना चाहिए, मैं बनाऊंगा विकसित भारत। साथियों, करोगे ना? करोगे ना? मैं नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हर काम करूंगा, मैं इनोवेट करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहूं या फिर किसी भी प्लेस में, मैं भारत को विकसित बनाकर ही रहूंगा। और साथियों, जानते हैं, मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एल्यूमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं, वो आप ही के स्कूल के में पढ़े हुए हैं। रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, अमीन सयानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोतीदर जी, अभी जिन्होंने यहां शानदार प्रस्तुति दी, मित ब्रदर्स और हुड़हुड़ दबंग सलमान खान, और मेरे मित्र नितिन मुकेश भी यहां बैठे हैं। सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिख जाते हैं।